आवाज यहाँ अगाडि मेरो ड्राइभर हुनुहुन्छ कि चिनेको ढिला भयो, मैले चाहिँ यसो भाइलाई लिएर आऊ तलसम्म छोड्न होइन भनेर होइन छुट्टै। हामी चाहिँ धेरै टाइमपछि हाम्रो पुरानो होम टाउनमा जाँदैछौँ। फिक्स गाडीमा जाने होइन, हामी यहाँबाट पहिला भालुवाङ एउटा केहीमा जान्छौँ छिटो छिप छिप यताउता चालजुक विङ्गर सुन्दर आइसकेको जे पाइन्छ त्यसमा, त्यसपछि चाहिँ काठमाडौँको नाइटहरू समातेर या फेरि जे हुन्छ कसरी हुन्छ नेपाल भन्दा होइन अब जाँदैछौँ। बाटो अप्ठ्यारो रहेको छ अहिले यति बेला, अहिले चाहिँ रमाइलो मजाले चलाइरहेको छ है। गाइज होइन म चाहिँ ठ्याक्कै गाडी भेटाउन आइकी कि होइन, लास्ट गाडी हाम्रो यो नै रहेछ अनि सो यो सरकारी गाडी हो होइन, सो उत्तर प्रदेश परिवहन लेखाएको छ अनि जयपुर पनि लेखाएको छ देख्नुभयो होला। सो यही नै हो क्या हाम्रो गाडी होइन, सो लास्ट गाडी यही नै रहेछ। मलाई चाहिँ हल्का डर लागिरहेको थियो गाडी छुट्यो क्या भनेर, किनभने नेपाल भन्छमा लास्टै झुलजङ्गा भइरहेको नि त, त्यही भएर धेरै सो त्यही नै हो। अब हिन्दू मुस्लिमको खै के भइरहेको छ अरे क्या, त्यो झन्डाको बारेमा त्यत्रो धेरै लफडा भइरहेको रहेछ जाने जाँदैन। मलाई चाहिँ लागिरहेको थियो फिक्स छुट्यो गाडी आज जस्तो लागेर, डर पनि लागिरहेको थियो। सो फेरि बोर्डर बाटो फेरि हिन्दी आउनुपर्छ कि हामीलाई बिचको गल्लीबाट, सो फेरि बस्ने जस्तो लाग्यो ठिक है। गाडी यही नै हो यो होइन गाडी हो, त्यो चाहिँ हाम्रो रुपडियाको बस स्टेसन हो होइन। यहाँबाट चाहिँ यहाँबाट चाहिँ तपाईँको दुइटा गाडी छुट्छ अरे, एउटा 2:15 बजी एउटा 3 बजी, यो चाहिँ 3 बजेको गाडी हो किनभने यो छिटो जान्छ क्या। यो चाहिँ तपाईँको छिटो जान्छ क्या गाडी किनभने चाहिँ यो चाहिँ तपाईँको बाइपास प्रवेश सर्टको बाटो जान्छ अरे होइन, त्यही भएर म अब यही गाडीमा जानु लाग्यो। फाइनली बस पाइहालेँ, अब टेन्सन भएन किनभने फर्स्ट टाइम म सिङ्गल यति लामो ट्राभल गर्दैछु नि त, अनि सो ड्याडले पनि फोन गर्नु भएको थियो पाइस किन यता उता भनेर, किनभने मेन प्रब्लम चाहिँ बर्डरमा थियो किनभने मलाई थाहा थियो होइन पहिलेदेखि त्यहाँ हुलदङ्गा भइरहेको भनेर। अनि सो ठ्याक्कै माउँदाखेरि ठ्याक्कै हुलदङ्गा भएको कि, अनि ठ्याक्कै 10 मिनट फेरि हुलदङ्गा सकिएको। सो अब लक भनौँ के भनौँ होइन, फाइनली गाडी चाडी पाएँ, अब मैले सिट सिट चुज गरिसकेँ होइन, अब बस्छु त्यही गएर
एकछिनमा बस्छु होला, बस्छ यही नै हो। अब तपाईँलाई मैले हाम्रो इन्डियाको हाइवेहरू देखाइ नै हाल्नेछु होइन। सो गाइस त्यही नै हो, धेरै त भन्नु सिधै भेटौँला के। हामी चाहिँ अन द वे छौँ है। यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ बस्ती बाटो होइन, हाम्रो चाहिँ खाजा खानु रोकेर अहिले पौन दिन भइसक्यो होइन। यहाँ चाहिँ डिजे हाल्दैछन्। इन्डियाको चाहिँ सरकारी गाडीको चाहिँ यो चाहिँ राम्रो पोइन्ट लाग्यो, किनभने मलाई चाहिँ होइन राज्य सरकारी मान्छे चाहिँ नचाहिने कि जस्तो। यिनीहरू सरकारी आफ्नो आइडी हुनेछ होइन, आफै आयो आफै पेट्रोलहरू फुल गऱ्यो होइन। यो के भने चाहिँ यो यहाँ चाहिँ ओन्ली सरकारी गाडीहरू मात्रै एभाइलेबल हुँदो रहेछ क्या। सरकारी गाडी आफै आउने आफै हाल्ने हुँदो रहेछ। सो अहिले चाहिँ पौन दिन बज्यो अलमोस्ट। मलाई चाहिँ भोलि बिहान पाउने 8 बजीतिर चाहिँ पुरा दिन चल्नु थियो, त्यहाँबाट फेरि मलाई 1 घन्टा चाहिँ लाग्छ। अब त्यस्तै राम्रो गएर किनभने आइरहेको ठाउँ हो। मैले चाहिँ त्यति धेरै पुरै बाटो खिचेको छैन, अलिअलि क्लिपहरू पुरै खिचेको छु। अब त्यो क्लिपहरू हालिदिइहाल्छु, तपाईँले हेर्नु पाउनुहुन्छ। अब सिधै जानु पऱ्यो मलाई पार्टी।
काम गरेको नि टाइटन मलमा हो कि मेरो सरको स्टुडियो चाहिँ टाइटन मलमा छ। कितना बदल गया भैया टाइटन मल तो। घर की करे घर कहाँ है आपका? इधर ही। अच्छा, ये ट्रेडर मॉल बंद क्यों है? ये हाइपर सिटी बंद क्यों है? पहले मैं तो ट्राइडन पे काम करता था। ये पूजा तो बनी रही थी जब मैं चाह रहा था, अब तो बन के इतना रेडी भी हो गया। तो गाइस अब आ गया है हमारा जोटवाड़ा काटा चौड़ा। हम आ गए हैं अपना फाइनल डेस्टिनेशन पे। कल मैं फाइनल डेस्टिनेशन में आए ना, मेरे घर चाहिए आई डोंट नो बिल्ड ला मेरे रूम चाहिए उतना पाए नहीं हो तर मैं ये झरे क्यों यहाँ अगड़ी मेरे दाइर हो कि चिने को मैं नहीं गाय तब एक घर घर भेटूँ ना मेरे को धेरे चार छेन। ओके बाय। सो ओके फैमिली हमी छाक मेन रोडमें अहिले चाहिँ म जाँदैछु बाबाको पसलमा। हेर्न सक्नुहुन्छ हामी चाहिँ चिलमा रोडमा हिँडिरहेको होइन म यस्तो दिनमा आइयो फ्रेस भइयो म त सुत्थ्यो होइन। अहिले चाहिँ म जाँदैछु बाबाको पसलमा और अभी जाके मैं गर्नेवाला हूँ मेरे दोस्त को सरप्राइज, क्योंकि उसको पता नहीं है मैं इधर आया हुआ हूँ। वो मेरे को फोन करके बहुत बार पूछा था कि भाई तू कब आ रहा है कब आ रहा है, तो मैंने उसको एक बार ही बोला नहीं कि मैं इधर आ रहा हूँ, उसको मैंने फ़ोन और महसूस भी नहीं किया। और ये है हमारा ये हॉस्पिटल ही शायद आई थिंक है ना। और ये है हमारे पानी पूरी वाले भैया, इधर भी एक होटल है। ये वाली चीज़ सही है बढ़िया बोलते उसमें आइसक्रीम आइसक्रीम लेना हो तो बढ़िया से ले लो। सो ये सारे सब सारे 24 घंटे ऑन देते हैं ना। तो मेरा दोस्त रहता है मंगलम सिटी पे, उसका नाम है बादल। जो वो क्या है कि वो मेरा इतना बड़ा जिगरी है ना इंडिया का, वो मेरा बेस्ट से बेस्ट फ्रेंड बोलते हैं, वैसा फ्रेंड है। तो उसको मैंने बताया नहीं, उसको मेरे को पता है कि वो 8 बजे तक आ जाएगा। हेलो सर। हेलो हेलो भैया आराम से ले लो यार बैग यार बैग। वो क्या है कि वो ऑफिस जाता है ना, तो मेरे को पता है उसने मेरे को बताया था कि मैं 8 बजे तक वापस आ जाता हूँ घर से घर पे। तो मैं करीब 8:30 के करीब जाऊँगा उसके घर पे, तो देखते हैं उसका रिएक्शन क्या रहता है। बढ़िया चलते हैं अभी सीधा मिलते हैं उसके घर के पास। गाइस मैं अभी जा रहा हूँ दोस्त के घर पे, थोड़ा गलत सीन हो गया। मेरे को लगा साला वो मेरी आवाज़ पहचानेगा नहीं, वो साला हरामी मेरा आवाज़ पहचान लिया। और मैं भाई मैं फ़ोन करके मैं से बोला कि हेलो भाई कहाँ हो, वो बोला हाँ प्रिंसिपल प्रिंसिपल साले वो लगता है मेरा आवाज़ पहचान गया। फिर मैं दोबारा काट के पापा को फ़ोन दिया हूँ, तो फिर उसके घर पर जा रहा हूँ मैं। सर देखता हूँ सरप्राइज़ तो नहीं होगा पता है मेरे को।
सरप्राइज तो वो होगा नहीं पता है, फिर भी मैं उसको ऐसा बोला ना कि मैं नहीं बोला, मैं ऐसे स्टार्टिंग में आवाज़ दिया कि हेलो भाई कौन, वो साड़ा पता है क्या बोलता है, फिर से बोल अरे भाई कितना खराब आदमी साला, मेरा आवाज़ पहचान लिया वो। फिर मैं उसकी फिर उसने फ़ोन कट किया, फिर मैं पापा बोले कि ले मैं बात करता हूँ, फिर पापा फोन आ, हेलो मैं ऐसे बोल रहा हूँ इधर, वो आते नहीं हो ऐसे ऐसे करके पापा ने बात तो बना दी है, पर लगता था ऐसे साड़ा वो पहचान लिया मेरे को। देखते हैं क्या रिएक्शन रहता है उसका, सोच रहा होगा साड़ा नहीं है क्योंकि कई गौर आवाज होता है। बाइक तो यही साढ़े हरामी का, अरे कहाँ पर अरे यार सारे दिन मेरे मेरे को पहचान लिया था ना, हाँ मैं पहचान गया तो पक्का लगा था भाई पहचान ही होगा मेरे पे होगा, देख इंजन कौन है, अरे बारे में देख लो। तो ओके गाइस अभी मैं जा रहा हूँ घर पे है ना, सो दोस्त से मिल गया, बहुत अच्छा लगा भाई मिल के, बहुत मजा आ गया। और कल परसों अभी छुट्टी है उसके, तो बहुत कल हम बहुत तबाही करने वाले हैं, सो हाँ बहुत अच्छा हुआ और सरप्राइज कर दिया मैंने बंदे को, उसको थोड़ा बहुत नोटिस तो हो गया था कि भाई वो आ रहा है, तो ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, अगर नए आए हो तो मिलते जल्दी और नया नया ब्लॉग में जल्दी मिलेंगे, और ठीक है नेपाली में भी बोल गया दोस्त भी नया हूँ सर, लाइक लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दिन होगा, शेयर कर दिन होगा, अनि मिठो कमेन्ट पनि छोड्नु होला, कसो लाग्यो भिडियो भनेर होइन, सो नयाँ इन्ट्रेस्टिङ भिडियोहरू तपाईँ देखिनु पाइनिहाल्नुहुन्छ, यो चाहिँ मेरो इन्डियाको फर्स्ट ब्लग होइन, सो नयाँ ब्लगमा भेट्नु छ, ओके बाई बाई गाइज, मिल्दै जल्दी।